स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है, जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले उपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आजादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशों को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा